सड़कों का आवारा जानवरों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने ताबड़तोड़ अभियान शुरू किया है। इसके लिए एक साथ 4 कैटर वैन सड़कों पर आधा सैकड़ा हाका गैंग कर्मचारियों के साथ उतारी गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने गौवंश पालकों को हिदायत दी है कि अपने मवेशियों को आवारा ना छोड़े, अन्यथा कड़ी कार्यवाही होना तय है। शहर की सड़कों को आवारा जानवरों की धमा चौकड़ी से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने सघन अभियान शुरू किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने हाका गैंग को निर्देश दिए हैं कि आवारा जानवरों और उनके पालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सड़क पर मिलने वाले गौवंश को कांजी हाउस भेजा जाए ताकि यातायात बाधित न हो। आवारा रूप से गौवंश या पशु या हमारे मवेशी घूमते हैं, उनको लेकर आम जनता बहुत परेशान होती है। कार्रवाई तो होती है, परंतु आज ये अपील भी है उन सभी इन गौवंशों के मालिकों से कि आप उसको कानूनन सम्मत तरीके से अपने घर पे अच्छे से रखें, सड़क पर नहीं छोड़ें। गौवंश को भी नुकसान होता है और उसके साथ साथ आम जनता बहुत परेशान होती है। शहर में अगर सड़कों पे गौवंश या मवेशी या पशु दिखेंगे तो ये मान के चलिए कि अब नगर निगम बड़ी कार्रवाई करेगी, बड़ी चालानी कार्रवाई करेगी और जब्ती की कार्रवाई भी करेगी, और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। आज 4 गाड़ियां सुबह से चल रही हैं, रांची से लेके शोभापुर तरफ ये आज कार्रवाई हुई है। लगभग 8 मवेशी वहां पर रास्ते में मिले हैं और ये कार्रवाई दिन भर चलेगी और रोजाना चलेगी। इस अभियान के लिए आधा सैकड़ा हाका गैंग कर्मचारी और 4 कैटल वैन सड़क पर उतारी गई हैं। सबसे पहले रांची, ग्वालीघाट, दमोनाका और सिविक सेंटर क्षेत्र में कार्यवाही प्रारंभ की गई है।